हत्याकांड संघर्ष समिति के नाम से आप जैसे देख रहे हैं, सारा चंबा नगर ही नहीं संपूर्ण जिला आज बंद है। जहाँ जहाँ से हमें सूचना आ रही, समाज की ओर से, व्यापारी वर्ग की ओर से, उन हुतात्मा जो मारा गया है बच्चा, जो कि एक हत्याकांड सारे हमारे देश को झंझोड़ने वाला और शर्मसार करने वाला हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के, युवक के, हिंदू युवक के जो है वो अंग प्रत्यंग काट के उसको बोरे में डाल के रखा गया। ऐसा जो घृणित कार्य है उसके रोष प्रकट करने के लिए व समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और उस परिवार, उस व्यक्ति से अपनी जो संवेदनाएं, सहानुभूति और जो उसके प्रति जो अपने भाव हैं प्रकट करने के लिए सारा समाज जो है आज यहाँ एकत्र हो रहा है। सारे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन पहले भी हुआ, उससे पहले भी मेमोरेंडम दिया गया। आज 6 तारीख को घटना हुई और आज 22 तारीख है। हालांकि पुलिस ने वो एक लव एंगल बनाया है और बोला है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये लव स्टोरी ना होके इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसके कारण यहाँ का जो हिंदू समाज है भयभीत हो, और साथ में उस व्यक्ति के तार जो हैं वो बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसी के लिए हमने निरंतर ये डिमांड रखी है कि ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन ये NIA के थ्रू हो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसके सारे पहलुओं पे विचार करे। लव एंगल है या इसके कोई विदेशी जो बाहर की ताकतें हैं या कोई आतंकवादी है या यहाँ भयभीत करने के लिए हिंदू समाज को है, इन सारे घटनाक्रम की NIA निष्पक्ष होकर जाँच करे। हमारी यही एक सबसे बड़ी मांग है, और उस परिवार से, उस व्यक्ति के जो मरा है उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, और वहाँ के क्या सारे चंबे के हिंदू समाज को एक सुरक्षा की भावना पनपे, ये हमारा ये मुख्य देश है। ऐसा है, प्रदेश सरकार ने अभी पुलिस की तरफ से ये जो एक कमेटी बनाई, SIT बनाई है, उसके तहत ही जांच हो रही है। पर हमारा मानना है कि ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। इस तरह से नृशंस हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घृणित कार्य है, कोई ऐसा देश को तोड़ने वाला कार्य है, जिसके लिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया मुख्य या उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, कि ये NIA की जाँच इस सारे घटनाक्रम में हो। तो वो अभी तक कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया कि NIA ने जाँच शुरू की है या कुछ। इसीलिए समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसी के प्रकटीकरण आज सारा जिला बंद है और सारे जिले से यहाँ चंबा में एक भव्य आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपना अंदर का भाव जो है समाज, अपने अंदर का आक्रोश जो है समाज वो प्रकट कर रहा है। ये कोई एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, समाज की जितनी विभिन्न संस्थाएँ, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और भी जितनी संस्थाएँ हैं वो सब इसमें जुटी हुई हैं, सब सम्मिलित होकर ये संघर्ष समिति बनी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक संस्था का काम नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, इस सारे समाज का काम है कि ऐसा इस देव भूमि में, इस पवित्र भूमि में ऐसा द्वारा से ये कार्य ना हो, इसके लिए ये सारा आज कार्यक्रम। सबसे पहले तो जो एक मनोहर हत्याकांड का जो मुद्दा है ये पूरे देशव्यापी मुद्दा बन चुका हुआ, और जिस प्रकार से दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार से और हमारे जो केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि इसकी NIA जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी सजा मिले। और जो अभी हम बंद का जो प्रावधान आज पूरे बाजार में किया गया है, जो दुकानें बंद रखी गई है, इसमें एक शांतिप्रिय जो है आक्रोश रैली का आयोजन किया गया ताकि किसी के भावना को ठेस भी ना पहुंचे और एक जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थाएँ जो है इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, और उनके खुद मंत्री को अभी हाल ही में जो इनके मंत्री चंद्र कुमार जी ज्ञान दे रहे थे कि हमने उस महिला के लिए प्रार्थना की है, जिनको ये पता ही नहीं है कि घटना कितनी बड़ी है और वो ज्ञानबाजी कैसे कर रहे हैं। हमारा जो संघीय हत्याकांड जो संघर्ष समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें किसी भी धर्म या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया हुआ उसका जो है NIA की जाँच हो और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले
और कड़ी से सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे शांति प्रिय जैसे चंबा जैसे जिला, जो शांति प्रिय जिला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, और जिस प्रकार से ये सभी की भावनाओं को ठेस पहुँची है उसको देखते हुए ये पूरा प्रदेश में आज और हमारे जो चंबा जिला में ये जो रैली संघर्ष समिति के द्वारा निकाली जा रही है, ये किसी राजनीति के को मद्देनजर रख करके राजनीति नहीं की जा रही है। ये एक उन परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, एक दलित परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके पूरे शरीर के अंग काट दिए गए हैं, और इतना बहुत बड़ा ये जो एक अपराध हुआ है उसके लिए है कि ताकि सरकार की आंखें खुले और प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी NIA को माने और उससे जांच कराए कि उसमें जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा मिले और जो लोगों का स्वार्थ बना रहे। सभी संगठनों से जुड़ा गया हिंदू मुस्लिम आदि के साथ सभी का व्यापार मानने का साथ दे रहे हैं। हमें सरकार का नाम नहीं सुनती है, हमें प्रशासन संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति के नाम से आप जैसे देख रहे हैं, सारा चंबा नगर ही नहीं संपूर्ण जिला आज बंद है। जहां जहां से हमें सूचनाएं आ रही, समाज की ओर से, व्यापारी वर्ग की ओर से, उन हुतात्माओं जो मारा गया है बच्चा, जो कि एक हत्याकांड सारे हमारे देश को झंझोड़ने वाला और शर्मसार करने वाला हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के, युवक के, हिंदू युवक के जो है वो अंग प्रत्यंग काट के उसको बोरे में डाल के रखा गया, ऐसा जो घृणित कार्य है उसके रोष प्रकट करने के लिए व समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं द्वारा ना हो, और उस परिवार, उस व्यक्ति से अपनी जो संवेदना, सहानुभूति और जो उसके प्रति जो अपने भाव हैं प्रकट करने के लिए सारा समाज जो है आज यहाँ एकत्र हो रहा है, सारे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन पहले भी हुआ, उससे पहले भी मेमोरेंडम दिया गया। आज 6 तारीख को घटना हुई और आज 22 तारीख है,
हालांकि पुलिस ने वो एक लव एंगल बनाया है और बोला है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये लव स्टोरी ना होके इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसके कारण यहाँ का जो हिंदू समाज है भयभीत हो और साथ में उस व्यक्ति के तार जो हैं वो बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसी के लिए हमने निरंतर ये डिमांड रखी है कि ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन ये NIA के थ्रू हो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसके सारे पहलुओं पे विचार करे, लव एंगल है या इसके कोई विदेशी जो बाहर की ताकतें हैं या कोई आतंकवादी है या यहाँ भयभीत करने के लिए हिंदू समाज को है, इन सारे घटनाक्रम की NIA निष्पक्ष होकर जांच करे। हमारी यही एक सबसे बड़ी मांग है और उस परिवार से उस व्यक्ति के जो मरा है उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और वहाँ के क्या सारे चंबा के हिंदू समाज को एक सुरक्षा की भावना पनपे, ये हमारा ये मुख्य देश है। ऐसा है प्रदेश सरकार ने अभी पुलिस की तरफ से ये जो एक कमेटी ने SIT बनाई है उसके तहत ही जांच हो रही है, पर हमारा मानना है कि ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है, इस तरह से नृशंस हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घृणित कार्य है, कोई ऐसा देश को तोड़ने वाला कार्य है जिसके लिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया मुख्य या उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को कि ये NIA की जाँच इस सारे घटनाक्रम में हो, तो वो अभी तक कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया कि NIA ने जाँच शुरू की है या कुछ। इसीलिए समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसी के प्रकटीकरण आज सारा जिला बंद है और सारे ज़िले से यहाँ चंबा में एक भव्य आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपना अंदर का भाव जो है समाज, अपना अंदर का आक्रोश जो है समाज वो प्रकट कर रहा है। ये कोई एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, समाज की जितनी विभिन्न संस्थाएँ, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और भी जितनी संस्थाएं हैं वो सब इसमें जुटी हुई हैं, सब सम्मिलित होकर ये संघर्ष समिति बनी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक संस्था का काम नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, इस सारे समाज का काम है कि ऐसा इस देव भूमि में, इस पवित्र भूमि में ऐसा द्वारा से ये कार्य ना हो, इसके लिए ये सारा आज कार्यक्रम। सबसे पहले तो जो एक मनोहर हत्याकांड का जो मुद्दा है ये पूरे देशव्यापी मुद्दा बन चुका हुआ, और जिस प्रकार से दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार से और हमारे जो केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि इसकी NIA जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी सजा मिले। और जो अभी हम बंद का जो प्रावधान आज पूरे बाजार में किया गया है, जो दुकानें बंद रखी गई है, इसमें एक शांतिप्रिय जो है आक्रोश रैली का आयोजन किया गया ताकि किसी के भावना को ठेस भी ना पहुंचे और एक जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थाएँ जो है इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं और उनके खुद मंत्री को अभी हाल ही में जो इनके मंत्री चंद्र कुमार जी बयान दे रहे थे कि हमने उस महिला के लिए प्रार्थना की है, जिनको ये पता ही नहीं है कि घटना कितनी बड़ी है और वो बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। हमारा जो संघीय हत्याकांड जो संघर्ष समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें किसी भी धर्म या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया हुआ उसका जो है NIA की जाँच हो और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और कड़ी से सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे शांतिप्रिय जैसे चंबा जैसे जिला, जो शांतिप्रिय जिला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शांतिप्रिय ढंग से रहते हैं और जिस प्रकार से ये सभी की भावनाओं को ठेस पहुँची है उसको देखते हुए ये पूरा प्रदेश में आज और हमारे जो चंबा जिला में ये जो रैली संघर्ष समिति के द्वारा निकाली जा रही है ये किसी राजनीति के को मद्देनजर रख करके राजनीति नहीं की जा रही है, ये एक उन परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, एक दलित परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके पूरे शरीर के अंग काट दिए गए हैं और इतना बहुत बड़ा ये जो एक अपराध हुआ है उसके लिए है कि ताकि सरकार की आंखें खुले और प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी NIA को माने और उससे जांच कराए कि उसमें जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा मिले और जो लोगों का स्वार्थ बना रहे।
सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का व्यापार मान का साथ दे रहे हैं। संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति के नाम से आप जैसे देख रहे हैं, सारा चंबा नगर ही नहीं संपूर्ण जिला आज बंद है। जहां जहां से हमें सूचनाएं आ रही हैं, समाज की ओर से, व्यापारी वर्ग की ओर से, उन हुतात्माओं जो मारा गया है बच्चा, जो कि एक हत्याकांड सारे हमारे देश को झंझोड़ने वाला और शर्मसार करने वाला हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के, युवक के, हिंदू युवक के जो हैं वो अंग प्रत्यंग काट के उसको बोरे में डाल के रखा गया। ऐसा जो घृणित कार्य है उसके रोष प्रकट करने के लिए व समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं द्वारा ना हो, और उस परिवार, उस व्यक्ति से अपनी जो संवेदनाएं, सहानुभूति और जो उसके प्रति जो अपने भाव हैं प्रकट करने के लिए सारा समाज जो है आज यहाँ एकत्र हो रहा है। सारे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन पहले भी हुआ, उससे पहले भी मेमोरेंडम दिया गया। आज 6 तारीख को घटना हुई और आज 22 तारीख है। हालांकि पुलिस ने वो एक लव एंगल बनाया है और बोला है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये लव स्टोरी ना होके इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसके कारण यहाँ का जो हिंदू समाज है भयभीत हो, और साथ में उस व्यक्ति के तार जो हैं वो बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसी के लिए हमने निरंतर ये डिमांड रखी है कि ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन ये NIA के थ्रू हो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसके सारे पहलुओं पे विचार करे। लव एंगल है या इसके कोई विदेशी जो बाहर की ताकतें हैं या कोई आतंकवादी है या यहाँ भयभीत करने के लिए हिंदू समाज को है, इन सारे घटनाक्रम की NIA निष्पक्ष होकर जाँच करे। हमारी यही एक सबसे बड़ी मांग है, और उस परिवार से, उस व्यक्ति के जो मरा है उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, और वहाँ के क्या सारे चंबे के हिंदू समाज को एक सुरक्षा की भावना पनपे, ये हमारा ये मुख्य देश है। ऐसा है, प्रदर्शन करने अभी पुलिस की तरफ से ये जो एक कमेटी बनाई, SIT बनाई है, उसके तहत ही जांच हो रही है, पर हमारा मानना है कि ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है।
इस तरह से नृशंस हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घृणित कार्य है, कोई ऐसा देश को तोड़ने वाला कार्य है, जिसके लिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया मुख्य या उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को कि ये NIA की जाँच इस सारे घटनाक्रम में हो। तो वो अभी तक कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया कि NIA ने जाँच शुरू की है या कुछ। इसीलिए समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसी के प्रकटीकरण आज सारा जिला बंद है और सारे जिले से यहाँ चंबा में एक भव्य आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपना अंदर का भाव जो है समाज, अपना अंदर का आक्रोश जो है समाज वो प्रकट कर रहा है। ये कोई एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, समाज की जितनी विभिन्न संस्थाएँ, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और भी जितनी संस्थाएँ हैं, वो सब इसमें जुटी हुई हैं, सब सम्मिलित होकर ये संघर्ष समिति बनी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक संस्था का काम नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, इस सारे समाज का काम है कि ऐसा इस देवभूमि में, इस पवित्र भूमि में ऐसा द्वारा से ये कार्य ना हो, इसके लिए ये सारा आज कार्यक्रम। सबसे पहले तो जो एक मनोहर हत्याकांड का जो मुद्दा है, ये पूरे देशव्यापी मुद्दा बन चुका हुआ, और जिस प्रकार से दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार से और हमारे जो केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि इसकी NIA जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी सजा मिले। और जो अभी हम बंद का जो प्रावधान आज पूरे बाजार में किया गया है, जो दुकानें बंद रखी गई है, इसमें एक शांतिप्रिय जो है आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, ताकि किसी के भावना को ठेस भी ना पहुंचे और एक जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थाएँ जो है इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, और उनके खुद मंत्री को अभी हाल ही में जो इनके मंत्री चंद्र कुमार जी बयान दे रहे थे कि हमने उस महिला के लिए प्रार्थना की है, जिनको ये पता ही नहीं है कि घटना कितनी बड़ी है और वो बयानबाजी कैसे कर रहे हैं। हमारा जो संघीय हत्याकांड जो संघर्ष समिति है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें किसी भी धर्म या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया हुआ उसका जो है NIA की जाँच हो और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और कड़ी से सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे शांतिप्रिय जैसे चंबा जैसे जिला, जो शांतिप्रिय जिला जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शांतिप्रिय ढंग से रहते हैं और जिस प्रकार से ये सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसको देखते हुए ये पूरा प्रदेश में आज और हमारे जो चंबा जिला में ये जो रैली संघर्ष समिति के द्वारा निकाली जा रही है, ये किसी राजनीति के को मद्देनजर रख करके राजनीति नहीं की जा रही है, ये एक उन परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, एक दलित परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके पूरे शरीर के अंग काट दिए गए हैं और इतना बहुत बड़ा ये जो एक अपराध हुआ है, उसके लिए है कि ताकि सरकार की आंखें खुले और प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी NIA को माने और उससे जांच कराए कि उसमें जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा मिले और जो लोगों का स्वार्थ बना रहे। सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का व्यापार मन का साथ दे रहे हैं।
संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति के नाम से आप जैसे देख रहे हैं, सारा चंबा नगर ही नहीं संपूर्ण जिला आज बंद है। जहाँ जहाँ से हमें सूचनाएं आ रही हैं, समाज की ओर से, व्यापारी वर्ग की ओर से, उन हुतात्माओं जो मारा गया है बच्चा, जो कि एक हत्याकांड सारे हमारे देश को झंझोड़ने वाला और शर्मसार करने वाला हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के, युवक के, हिंदू युवक के जो हैं वो अंग प्रत्यंग काट के उसको बोरे में डाल के रखा गया, ऐसा जो घृणित कार्य है उसके रोष प्रकट करने के लिए व समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं द्वारा ना हो, और उस परिवार, उस व्यक्ति से अपनी जो संवेदनाएं, सहानुभूति और जो उसके प्रति जो अपने भाव हैं प्रकट करने के लिए सारा समाज जो है आज यहाँ एकत्र हो रहा है। सारे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन पहले भी हुआ, उससे पहले भी मेमोरेंडम दिया गया। आज 6 तारीख को घटना हुई और आज 22 तारीख है। हालांकि पुलिस ने वो एक लव एंगल बनाया है और बोला है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये लव स्टोरी ना हो के इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसके कारण यहाँ का जो हिंदू समाज है भयभीत हो, और साथ में उस व्यक्ति के तार जो हैं वो बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसी के लिए हमने निरंतर ये डिमांड रखी है कि ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन ये NIA के थ्रू हो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसके सारे पहलुओं पे विचार करे। लव एंगल है या इसके कोई विदेशी जो बाहर की ताकतें हैं या कोई आतंकवादी है या यहाँ भयभीत करने के लिए हिंदू समाज को है, इन सारे घटनाक्रम की NIA निष्पक्ष होकर जाँच करे। हमारी यही एक सबसे बड़ी मांग है, और उस परिवार से, उस व्यक्ति के जो मरा है उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, और वहाँ के क्या सारे चंबे के हिंदू समाज को एक सुरक्षा की भावना पनपे, ये हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। ऐसा है, प्रदर्शन करने अभी पुलिस की तरफ से ये जो एक कमेटी ने SIT बनाई है उसके तहत ही जांच हो रही है, पर हमारा मानना है कि ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। इस तरह से निशंस हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घृणित कार्य है, कोई ऐसा देश को तोड़ने वाला कार्य है, जिसके लिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया मुख्य या उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, कि ये NIA की जाँच इस सारे घटनाक्रम में हो, तो वो अभी तक कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया कि NIA ने जाँच शुरू की है या कुछ। इसीलिए समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसी के प्रकटीकरण आज सारा जिला बंद है और सारे जिले से यहाँ चंबा में एक भव्य आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपना अंदर का भाव जो है समाज, अपना अंदर का आक्रोश जो है समाज वो प्रकट कर रहा है। ये कोई एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, समाज की जितनी विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और भी जितनी संस्थाएं हैं वो सब इसमें जुटी हुई हैं, सब सम्मिलित होकर ये संघर्ष समिति बनी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक संस्था का काम नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, इस सारे समाज का काम है कि ऐसा इस देवभूमि में, इस पवित्र भूमि में ऐसा द्वारा से ये कार्य ना हो, इसके लिए ये सारा आज का आयोजन। सबसे पहले तो जो एक मनोहर हत्याकांड का जो मुद्दा है ये पूरे देशव्यापी मुद्दा बन चुका हुआ, और जिस प्रकार से दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार से और हमारे जो केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि इसकी NIA जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी सजा मिले। और जो अभी हम बंद का जो प्रावधान आज पूरे बाजार में किया गया है, जो दुकानें बंद रखी गई है, इसमें एक शांतिप्रिय जो है आक्रोश रैली का आयोजन किया गया ताकि किसी के भावना को ठेस भी ना पहुंचे और एक जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, और उनके खुद मंत्री को अभी हाल ही में जो इनके मंत्री चंद्र कुमार जी ज्ञान दे रहे थे कि हमने उस महिला के लिए प्रार्थना की है, जिनको ये पता ही नहीं है कि घटना कितनी बड़ी है और वो ज्ञानबाजी कैसे कर रहे हैं। हमारा जो संगनी हत्याकांड जो संघर्ष समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें किसी भी धर्म या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया हुआ उसका जो है
NIA की जांच हो और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और कड़ी से सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे शांति प्रिय जैसे चंबा जैसे जिला, जो शांति प्रिय जिला है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शांति प्रिय ढंग से रहते हैं और जिस प्रकार से ये सभी की भावनाओं को ठेस पहुँची है, उसको देखते हुए ये पूरा प्रदेश में आज और हमारे जो चंबा जिला में ये जो रैली संघर्ष समिति के द्वारा निकाली जा रही है, ये किसी राजनीति के को मद्देनजर रख करके राजनीति नहीं की जा रही है। ये एक उन परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, एक दलित परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके पूरे शरीर के अंग काट दिए गए हैं और इतना बहुत बड़ा ये जो एक अपराध हुआ है, उसके लिए है कि ताकि सरकार की आंखें खुले और प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी NIA को माने और उसे जांच कराए कि उसमें जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा मिले और जो लोगों का स्वार्थ बना रहे। संगड़ी हत्याकांड संघर्ष समिति के नाम से आप जैसे देख रहे हैं, सारा चंबा नगर ही नहीं संपूर्ण जिला आज बंद है। जहां जहां से हमें सूचना आ रही, समाज की ओर से, व्यापारी वर्ग की ओर से, उन हुतात्माओं जो मारा गया है बच्चा, जो कि एक हत्याकांड सारे हमारे देश को झंझोड़ने वाला और शर्मसार करने वाला हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के, युवक के, हिंदू युवक के जो है वो अंग प्रत्यंग काट के उसको बोरे में डाल के रखा गया। ऐसा जो घृणित कार्य है उसके रोष प्रकट करने के लिए व समाज में एक संदेश देने के लिए कि ऐसी घटनाएं द्वारा ना हो, और उस परिवार, उस व्यक्ति से अपनी जो संवेदना, सहानुभूति और जो उसके प्रति जो अपने भाव हैं प्रकट करने के लिए सारा समाज जो है आज यहाँ एकत्र हो रहा है। सारे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा एक प्रदर्शन पहले भी हुआ, उससे पहले भी
मेमोरेंडम दिया गया। आज 6 तारीख को घटना हुई और आज 22 तारीख है। हालांकि पुलिस ने वो एक लव एंगल बनाया है और बोला है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, पर हमारी पहले दिन से यही डिमांड है कि ये लव स्टोरी ना होके इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी साजिश है जिसके कारण यहाँ का जो हिंदू समाज है भयभीत हो और साथ में उस व्यक्ति के तार जो हैं वो बॉर्डर पार भी जुड़े हुए हैं, ऐसा अंदेशा है। और इसी के लिए हमने निरंतर ये डिमांड रखी है कि ये सारा जो है इन्वेस्टिगेशन ये NIA के थ्रू हो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करे और इसके सारे पहलुओं पे विचार करे। लव एंगल है या इसके कोई विदेशी जो बाहर की ताकतें हैं या कोई आतंकवादी है या यहाँ भयभीत करने के लिए हिंदू समाज को है, इन सारे घटनाक्रम की NIA निष्पक्ष होकर जांच करे। हमारी यही एक सबसे बड़ी मांग है और उस परिवार से उस व्यक्ति के जो मरा है उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और वहाँ के क्या सारे चंबा के हिंदू समाज को एक सुरक्षा की भावना पनपे, ये हमारा ये मुख्य देश है। ऐसा है, प्रदेश सरकार ने अभी पुलिस की तरफ से ये जो एक कमेटी ने SIT बनाई है उसके तहत ही जांच हो रही है, पर हमारा मानना है कि ये घटनाक्रम कोई साधारण घटनाक्रम नहीं है। इस तरह से नृशंस हत्या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा घृणित कार्य है, कोई ऐसा देश को तोड़ने वाला कार्य है जिसके लिए हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। हमने पीछे भी ज्ञापन दिया मुख्य या उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को कि ये NIA की जाँच इस सारे घटनाक्रम में हो, तो वो अभी तक कोई ऐसा हमारे ध्यान में नहीं आया कि NIA ने जाँच शुरू की है या कुछ। इसीलिए समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसी के प्रकटीकरण आज सारा जिला बंद है और सारे जिले से यहाँ चंबा में एक भव्य आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है, जो कि अपना अंदर का भाव जो है समाज, अपना अंदर का आक्रोश जो है समाज वो प्रकट कर रहा है। ये कोई एक संस्था, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, समाज की जितनी विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और भी जितनी संस्थाएं हैं वो सब इसमें जुटी हुई हैं, सब सम्मिलित होकर ये संघर्ष समिति बनी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक संस्था का काम नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, इस सारे समाज का काम है कि ऐसा इस देव भूमि में, इस पवित्र भूमि में ऐसा द्वारा से ये कार्य ना हो, इसके लिए ये सारा आज कार्य। सबसे पहले तो जो एक मनोहर हत्याकांड का जो मुद्दा है ये पूरे देशव्यापी मुद्दा बन चुका हुआ, और जिस प्रकार से दोषियों को सजा का प्रावधान नहीं किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार से और हमारे जो केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी कि इसकी NIA जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्दी सजा मिले। और जो अभी हम बंद का जो प्रावधान आज पूरे बाजार में किया गया है, जो दुकानें बंद रखी गई है, इसमें एक शांतिप्रिय जो है आक्रोश रैली का आयोजन किया गया ताकि किसी के भावना को ठेस भी ना पहुंचे और एक जो हमारा सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। के प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जो है इस मुद्दे को भड़काना चाहते हैं और उनके खुद मंत्री को अभी हाल ही में जो इनके मंत्री चंद्र कुमार जी ज्ञान दे रहे थे कि हमने उस महिला के लिए प्रार्थना की है, जिनको ये पता ही नहीं है कि घटना कितनी बड़ी है और वो ज्ञानबाजी कैसे कर रहे हैं। हमारा जो संघीय हत्याकांड जो संघर्ष समिति है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसमें किसी भी धर्म या किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये जघन्य कृत्य किया हुआ उसका जो है NIA की जाँच हो और जो दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और कड़ी से सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा हमारे शांतिप्रिय जैसे चंबा जैसे जिला, जो शांतिप्रिय जिला जहां पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शांतिप्रिय ढंग से रहते हैं और जिस प्रकार से ये सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसको देखते हुए ये पूरा प्रदेश में आज और हमारे जो चंबा जिला में ये जो रैली संघर्ष समिति के द्वारा निकाली जा रही है, ये किसी राजनीति के को मद्देनजर रख करके राजनीति नहीं की जा रही है, ये एक उन परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, एक दलित परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसके पूरे शरीर के अंग काट दिए गए हैं और इतना बहुत बड़ा ये जो एक अपराध हुआ है, उसके लिए है कि ताकि सरकार की आंखें खुले और प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी NIA को माने और उससे जांच कराए कि उसमें जांच करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा मिले और जो लोगों का स्वार्थ बना रहे।
मंदिरों का आज मंदिर सभी संगठनों से जुड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख के साथ सभी का व्यापार मंदिर का साथ है। हमें सरकार का नाम नहीं सुनती है, हमें प्रशासन